डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट SST में चैप्टर फर्स्ट का स्टडी कर रहे हैं और उसी को आगे हम अगले पॉइंट में अध्ययन करेंगे। अगला हमारा पॉइंट है लैटिट्यूड्स, अक्षांश रेखाएं। देयर आर मैनी लाइन्स विच रन पैरेलल टू द इक्वेटर। इक्वेटर के पैरेलल बहुत सी रेखाएं, बहुत सी लाइन्स चलती हैं। दीज लाइन्स रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं एंड आर कॉल्ड लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर पैरेलल्स। और इन रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं या अक्षांश पैरेलल रेखाएं भी कहते हैं। दे आर नंबर्ड इन डिग्रीज, और इनकी संख्या डिग्रीज में होती हैं, यानी इनके अंक डिग्री में व्यक्त करते हैं। द इक्वेटर इज नंबर्ड एज 0 degree। इक्वेटर का नंबर जो है 0 अंश है, 0 अंश अक्षांश है। देयर आर 90 degree ऑफ नॉर्थ लैटिट्यूड, और उत्तरी अक्षांश 90 degree की होती है। एंड 90 degrees ऑफ साउथ लैटिट्यूड, और दक्षिणी अक्षांश भी 90 degree की, 90 अंश की होती है। द लैटिट्यूड दैट रन्स अराउंड द अर्थ एट द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट एंड द लेंथ ऑफ द लैटिट्यूड्स गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी अप्रोच टुवर्ड्स द पोल्स। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के चारों ओर रन्स करती हैं, पृथ्वी के चारों ओर चलती हैं एट द इक्वेटर, इक्वेटर पर, और ये लॉन्गेस्ट होती हैं, लंबी होती हैं। और द लेंथ ऑफ द लैटिट्यूड, और अक्षांश की जो लंबाई है ये गोज ऑन डिक्रीजिंग एज, इनका क्रम धीरे धीरे नीचे होता जाता है, धीरे धीरे इनका क्रम कम होता चला जाता है। व्हेन वी अप्रोच टुवार्ड द पोल, जब हम ध्रुवों की तरफ पहुंचते हैं, यानी इक्वेटर में अक्षांश रेखाएं लंबी होती हैं और इनकी लंबाई अक्षांश के अनुसार धीरे धीरे घटने लगती हैं जब हम ध्रुवों की तरफ पहुंचते हैं, पोल्स की तरफ पहुंचते हैं। एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल द लेंथ ऑफ द लैटिट्यूड आर रिड्यूस्ड टू मेयरली टू ए पॉइंट। और जब नॉर्थ एंड साउथ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जो कि अक्षांश की लेंथ हैं, लंबाई हैं, ये धीरे धीरे रिड्यूस्ड होती हैं, कम होती हैं एंड मेयरली टू ए पॉइंट, जब हम उस पॉइंट पर पहुंचते हैं। द लैटिट्यूड ऑफ द नॉर्थ पोल इज 90 degree एंड नॉर्थ पोल के, उत्तरी ध्रुव के अक्षांश रेखाएं 90 degree एन, और द लैटिट्यूड ऑफ द साउथ पोल और दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश रेखाएं 90 degree एस, यानी 90 degree साउथ होती है। बिसाइड्स द इक्वेटर, इक्वेटर के पास देयर आर सम अदर इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड। तो इक्वेटर के पास जो है दूसरे कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश होते हैं। दीज आर नोन एज द ट्रॉपिक ऑफ कैंकर एट 23/1/2 degree नॉर्थ। और ये जो रेखाएं हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंकर कहलाती हैं, जो 23.5 degree एन होती हैं, यानी 23.5 degree नॉर्थ होती हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैपरिकॉर्न
एट 23.5 डिग्री एस, और कैप्रिकॉर्न ट्रॉपिक जो है 23.5 अंश एस यानी 23.5 अंश साउथ होती है। द आर्कटिक सर्किल एट 66.5 डिग्री एन, और आर्कटिक सर्किल 66.5 अंश नॉर्थ होती हैं यानी 66.5 एन होती हैं। एंड द एंटार्कटिक सर्किल है 66.5 डिग्री साउथ, और अंटार्कटिक सर्किल 66.5 अंश दक्षिणी होती हैं, साउथ होती हैं। दीज लैटिट्यूड हेल्प इन डिवाइडिंग द अर्थ इनटू डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स, और ये अक्षांश की मदद से, इन अक्षांश रेखाओं की मदद से हम पृथ्वी को विभिन्न क्लाइमेटिक जोन्स के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं।